बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या मामले में धीरे धीरे कई राज खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों आरोपी 2 घंटे तक सोनाली के साथ लेडीज बाथरूम में क्या कर रहे थे। गोवा आईजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सामने आए सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनाली फोगाट दूसरे के सहारे चल रही है और लगभग बदहवाश दिख रही है। सुबह 4:30 बजे जब सोनाली फोगाट बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं थी, इसी बीच आरोपी सोनाली को बाथरूम में लेकर गए और 2 घंटे तक सोनाली के साथ वहां अंदर रहे। 2 घंटे तक उन्होंने बाथरूम में क्या किया, इसका आरोपियों ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। गोवा पुलिस ने कहा कि बाथरूम में ले जाने वाली बात को उन्होंने उस कर्लीज रेस्टोरेंट के गार्ड से भी कंफर्म किया है। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को दावा किया कि सोनाली को उनके 2 सहयोगियों ने जबरन ड्रग्स दी थी। गोवा पुलिस ने कहा कि सोमवार को गोवा पहुंचने के बाद सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह सोनाली को पार्टी करने के बहाने रात में नॉर्थ गोवा के कर्ली रेस्टोरेंट ले गए। इस दौरान दोनों ने सोनाली के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी और उसे पीने के लिए सोनाली को मजबूर किया। रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है। दोनों ने पूछताछ में इसे कबूल भी किया है। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने कहा कि ड्रग्स ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों मंगलवार तड़के सोनाली को वॉशरूम लेकर गए। दोनों सोनाली के साथ 2 घंटे वॉशरूम के अंदर ही रहे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा कि उन 2 घंटों में क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फोगाट के शव पर चोट के कई निशान होने से जुड़े सवाल पर आईजी ने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सोनाली को अस्पताल में ले जाने के दौरान खरोंच लगने के कारण ऐसा हो सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि फोगाट की मौत ड्रग्स के कारण हुई है। पुलिस उन टैक्सी ड्राइवर्स का भी बयान दर्ज करेगी जिसमें से एक सोनाली फोगाट को रेस्टोरेंट से होटल लेकर आया था और दूसरा फोगाट को अस्पताल लेकर गया था। आरोपियों के साथ 2 महिलाएं भी थीं और इन्हें केक काटते हुए देखा गया। दोनों महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है। अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।